गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गुंजी। गुंजी जो गांव जहां से एक तरफ तो आदि कैलाश पड़ता है और एक तरफ पड़ता है ओम पर्वत। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने आपको ओम पर्वत और छोटे कैलाश के साथ में नाग पर्वत के और माता जी के काली माता के मंदिर के दर्शन कराए थे। सुबह सुबह का टाइम है, करीब 4:45 बज रहे हैं। आपको एक बहुत शानदार चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो, सूरज की पहली किरण ही बिल्कुल जो स्नो कैप माउंटेन्स है ना उनके ऊपर पड़ रही है, कितनी सुंदर लग रही है। पूरी वैली का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, सुबह सुबह कैसी लग रही है पूरी वैली। ये नीचे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारा गुंजी गांव ही है। ये होम स्टे बने हुए हैं सारे, और चारों तरफ से देखो आप, बहुत ही शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सीनिक व्यू है। सुबह सुबह हम लोग बिल्कुल जल्दी तैयार हो गए थे, क्योंकि लगभग यहाँ पर 6:45 बजे सबको ब्रेकफास्ट मिल जाता है और सब निकल लेते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ। कोई ओम पर्वत की तरफ जाता है, कोई हमारी तरफ से आदि कैलाश की तरफ जाता है। ये सारी यहाँ की वैली है जी, और बीच का ये पार्ट बिल्कुल प्लेन है। होम स्टे बहुत है, जिस होम स्टे में हम रुके हुए वो मैं पिछले ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ। चलो जी, गुंजी से आदि कैलाश की यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव जी के नाम से। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। तो ये सारे भोजपत्र के पेड़ हैं जी, हालांकि नदी के उस पार हम जा तो नहीं सकते उस तरफ। अजी तक आगे मिलेंगे तो वहाँ रोकना यार। ये है जी गणेश नाला, अभी रोक के दिखाते हैं आपको। देख लो जी, ये गणेश नाला। हालांकि पहले तो क्या था कि गाड़ी इसके अंदर से आती थी, लेकिन अब इसके ऊपर ना पाइप लगा दिया यहाँ पे, और ये बिल्कुल ऊपर वो वहाँ से आ रहा है ग्लेशियर में से। बहुत पवित्र पानी है इसका भी, थोड़े से छींटे देते हैं। नीचे गणेश नाला आ गया, ऊपर ब्रह्मा पर्वत। हाँ, नीचे आपने गणेश नाला देखा था, ऊपर ब्रह्मा पर्वत है। अभी थोड़ा सा बादलों में ढका हुआ है, और ये पांच पांडव पर्वत है। वो देखो नाग दिख रहे हैं मिट्टी में, अच्छा ही कहाँ पे तो फर्स्ट मिट्टी जो गावाड़ा में। अच्छा, वो नीचे पूछ सी। हाँ, पूछ से ऐसा के बना नाम क्या हुआ। अच्छा, ये वो ऊपर है, ये ऊपर वो मिट्टी से दिख रहे ना। हाँ। वो नाग दिख रहा है वहाँ पे, ऐसा एहसास हो रहा है बिल्कुल। ऊपर देखो, बहुत ऊपर बिल्कुल बर्फ भी है, स्नो कैप माउंटेन्स भी है। खिड़कियाँ बंद है इसलिए पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है। नाग पर्वत तो वो इसकी परछाई टाइप है। करीब करीब गुंजी गांव से 45 मिनट की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच गए जी कुटी गांव। एक्चुअली कुटी इसका नाम माता कुंती के नाम से पड़ा हुआ है, और इसका जो वर्णन है द्वापर युग में भी है। मैं आपको बता देता हूं कि जब ये पांचों पांडव और माता कुंती साथ में स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे ना, तो माता कुंती को इस जगह बहुत पसंद आई थी। ये उनका गढ़ कह लो आप, घर कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ आके उन्होंने लॉन्ग स्टे, लंबा प्रवास किया था। इस गांव के बारे में छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको। ये गांव लगभग समुद्र तल से 1200-1250 फीट ऊंचाई पर है, और ये भारत और चीन की तरफ से अंतिम गांव कहलाता है। ये जितना भी आप गाँव देख रहे हो ना, और 1962 के वॉर में भारत चीन का जब पहले युद्ध हुआ था, उससे पहले यहाँ पे
निखुर्च मंडी थी एक, उसका नाम पूरा शायद यही होगा, निखुर्च मंडी में देख के तो आया था। और यहीं से भारत और तिब्बत में व्यापार होता था। बस उस युद्ध के बाद यहाँ से व्यापार भी बंद हो गया और तिब्बत जाने का रास्ता भी बंद हो गया। ये मंदिर है सामने? अच्छा घर है। ये सारा छोटा सा गांव है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो कितने साल पुराना घर बने में, कितने साल पुराने भाई सर? 400 साल पुराने घर है ये, यहाँ के लोकल बताए गए हैं। देखो आप कितने पुराने हैं। इनकी बनावट देखो आप, देखो दोस्तों सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ यहाँ होने लग गई है क्योंकि हम यहाँ रोज नहीं आते हैं। ये पूरा गांव है जी, देखो अब तो पक्के पक्के मकान बनने लगे हैं, बीच में ये लग रहे हैं ना पिलर लगा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। वो देखो यहाँ से भी दिखाई दे रहा है गढ़ जो है। पौधे देखो कितने प्यारे प्यारे हैं यहाँ पे। अच्छा वो पार्वती मुकुट है, पहुंच गए जी जोलिंगकोंग में। और हमें पार्वती जी मुकुट दिख रहे हैं, जहाँ पार्वती मुकुट दिखाया था वो पीछे की तरफ। अब देख लो जी एक्चुअली आदि कैलाश यात्रा कैंप जोलिंगकोंग, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, उत्तराखंड टूरिज्म वेलकम यू, एल्टीट्यूड 14,400 फीट। आते जी यहाँ पे आपका स्वागत गर्म पानी से होगा, उसके बाद छोटे मोटे से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आप कुछ भी चाय मैगी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर लंच आपको करना है तो पहले बता के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हो ना 7:30-8 बजे, तो वहाँ से वो जो रास्ता देख रहे हो वो पार्वती सरोवर जाएगा, पीछे भीम की खेती भी वहीं से है दिखाई देगी। तो आपको अभी जाते वक्त ही बताना पड़ेगा कि लंच बनाना है, तो ये आप उस हिसाब से ऑन डिमांड ही तैयार करेंगे, वैसे रेडी नहीं मिलता है यहाँ पे। लगभग 1.5-2 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू हो गई हमारी। कदम छोटे छोटे रखने की कोशिश ये करो कि कोई भार ना लेके आओ आप साथ में। ये रास्ता देख रहे हो सामने, वो यूं जाके पीछे इसके पार्वती सरोवर है, माता का मंदिर है और भीम की खेती है। सुमन को देखो कहाँ पहुँच गई। छोटे छोटे से कदम लेना, भागना मत, ऐसे मत सोचना कि जल्दी पहुंच जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस चढ़ने लग गया, रास्ता ही ऐसा है। मैं परिचय कराता हूं इन छोटे भाइयों से जो हमारे साथ धारचूला से हैं। रात को हमने साथ ही स्टे किया था और ओम पर्वत भी हमने साथ यात्रा करी है और आदि कैलाश की यात्रा भी हम लोग साथ आए हैं। मेरा नाम अभिजीत है। मेरा नाम दिव्यंदी पाठक है। मेरा नाम हिमांशु। हर हर महादेव। हर महादेव। और एक बात बता दूं कि जब भी यहाँ आओ ना आप लोग, तो हमेशा ध्यान रखना, छोटा सा कोई हैंडबैग ला सकते हो, ज़्यादा वेट उठाओगे ना वो 1 किलो का 4 किलो हो जाएगा, क्यों हाई अल्टीट्यूड है ना इसलिए। देख लो जी धरती का ऐसा नज़ारा बारी बारी नहीं देख पाओगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देख लो पूरा, क्या शानदार नज़ारा है। इतनी हाइट पे आ गए हैं, देखो क्या शानदार नज़ारा है, दूर दूर तक इतनी हाइट पे आ गए हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ये सामने दिख रहा है पार्वती सरोवर, बिल्कुल पास भी चलेंगे, वो देखो जी वो दिख रहा पार्वती सरोवर, ये ना माता का मंदिर। लो जी कर लो बिल्कुल महादेव के दर्शन,
आदि कैलाश बिल्कुल क्लियर सामने इस टाइम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रास्ता जरूर कठिन है, लेकिन उसके बाद जो दर्शन दिए ना महादेव ने, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार दर्शन हुए हैं। इतना साफ हो गया अब तो, पहले तो यात्रा स्टार्ट की थी तब तो बादल थे, अब एकदम क्लियर दिखे। दोस्तों टोटल 5 कैलाश है। पहला जिसका अभी तक हमने दर्शन नहीं किए हैं, पहला है मानसरोवर जिसको बड़ा कैलाश बोलते हैं, दूसरा है आदि कैलाश जिसके दर्शन आपने अभी किए हैं, और तीसरा है मणि महेश कैलाश, और चौथा है किन्नर कैलाश, और पांचवा है श्रीखंड महादेव। ये 5 कैलाश हैं जिसमें से अभी तक हमने सिर्फ आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। कितना लेते हो नीचे से ऊपर तक का आना जाना? 3000 रुपये। कितनी बार देखेंगे मन नहीं भरता। आदि कैलाश धाम में आपका स्वागत है, बोला नहीं जा रहा है। ये सामने माता जी का मंदिर है। भाई यहाँ पे माता पार्वती आज भी आती स्नान करने? हर पूर्णिमा को आती है। अच्छा, हर उस टाइम हंसरू बगले भी आते हैं? इस टाइम आज नहीं है यार। अच्छा, नहीं तो ये अदरवाइज दिखाई देते हैं? हाँ, दिखाई देते हैं। वो झाड़ियों में हो सकते हैं छुपे ना। अच्छा, वो जो दूर दिख रही झाड़ियाँ? हाँ, झाड़ियाँ। ये पूरा पार्वती सरोवर है, और आज भी कहते हैं कि जब माँ पार्वती इसमें स्नान करने आती है ना तो हंस और बगुले आते हैं। अब माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद आगे जा रहे हैं भीम की खेती देखने के लिए। छोटा सा ट्रैक है, इतनी दूर आओ तो सब कुछ देख के जाओ। छोटी सी ट्रैकिंग जो दिख रही है ना, ये 15 मिनट लेती है, और ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे है ये तो और ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। ये बस यूँ जाके और वो लास्ट पॉइंट है, वहाँ से भीम की खेती दिखाई देगी। यहाँ की क्या हाइट है, क्या अल्टीट्यूड है यहाँ का? ये अपना जो आदि कैलाश है ना जी, 5945 इसकी हाइट। ठीक है, मीटर है ना। और ये पॉइंट कुछ पता है? ये होगा आपका 14000 के करीब, 14000 फीट पे जी, जी। ओके, गौरीकुंड का वो ट्रैक है यहाँ से गौरीकुंड? ओके, वो सामने वाला, सामने। और ये जो सामने पूरा पहाड़ देख रहे हो ना, ये भीम की खेती है। यह हमेशा 12 महीने इवन बर्फ़ के टाइम भी ये खेती ऐसे रहती है, कोई यहाँ पे बीज डालने नहीं आता है। खेती दिख रही है आपको? बिल्कुल, पास से भी दिखाता हूँ अभी। ये देख लो जी, बोर्ड पे लिखा हुआ है धान की खेती के बीच में जाना मना है। और ये धान है देखो पूरा का पूरा, यहाँ कोई बीज डालने नहीं आता है, लेकिन ये हमेशा उगा रहता है। इवन बर्फ़ के टाइम में भी दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, ये पूरा धान की खेती है सारी। चमत्कार तो है। छोटे 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 स्टेप लगते जाओ, चलते जाओ। लगभग 20,000 फीट की हाई अल्टीट्यूड पे आ चुके हैं। बोला जा रहा नहीं, और पीछे आपको यहाँ से ध्यान से ये रास्ता है। नीचे जाने का है, देखो अब ये नीचे जाने का ट्रैक है। अब थोड़ा सा टफ है क्योंकि नीचे जाना भी आसान नहीं होता है। ये इजी दिख रहा है ना पूरा ट्रैक जब उतर के आए हैं, इतना इजी है नहीं। या तो आप जिस ट्रैक से गए थे ना उसी ट्रैक से आओ, हमने शॉर्ट लिया है, और ये ट्रैक इजी नहीं है। हाँ, जब आप इस रास्ते पर आए गए हो ना तो लेफ्ट वाला पाँव बाहर की तरफ, और ये जो जड़े हैं ना इनको पकड़ते हुए चलो,
इजी, बिल्कुल इजी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहाड़ ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन सेफ्टी से आपको नीचे उतरना है। सुमन उतर रही है जैसे एक 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 कदम रख के, ना देखो एक एक कदम रख रही है धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से सुमन, बिल्कुल आराम से। दिखने में ही आसान है, उतरने में नहीं है। बिल्कुल आराम से, अभी बहुत दूर हो आप। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे। शिव बाबा की गोद में हम इस टाइम, देखो आदि कैलाश, ओम पर्वत, भीम की खेती, पार्वती मंदिर, काली माता का मंदिर, ये सिर्फ सुना था, लोगों के व्लॉग में देखा था, लेकिन जहाँ चाह वहाँ ईश्वर का आशीर्वाद और वहीं रहा। बहुत बहुत दोनों के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, दोनों नहीं सभी जगह बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड पे खड़े हैं, अब बस हम लोग नीचे ढलान पे जा रहे हैं। सामने हमारा वो गांव दिख रहा है और वहीं हमारी गाड़ी खड़ी है, और बहुत शानदार आपने भी देखा। मिलते हैं फिर नई जगह पे, नई डेस्टिनेशन पे। टिल देन खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और हमारी तरह से धार्मिक यात्राएं प्लस गोवा जैसी जगहों की यात्राएं भी करते रहो। आई मीन टू से जर्नी करते रहो, घूमते जरूर रहो। हर हर महादेव, हर हर महादेव।